अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरीके से आप पिंक और ब्लू कलर का आई मेकअप लुक कर सकते हैं। ये इस लुक में मैंने जेम्स लगा दिए हैं, आप विदाउट जेम ये लुक करें और बहुत ही प्यारी ये लुक लगेगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी आईज़ को प्राइम करूंगी, उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ही लुइस की ये बेस। ब्राउज़ को मैं शेप करूंगी मेकअप रेवोल्यूशन का ये ब्राउ पोमेड यूज़ करके। पहले ब्राउज़ को नीचे ब्रश करना है। और लाइटली ऊपर से फिल करना है। और फिर नीचे से मैं ब्राउज के हेयर को फिक्स करूंगी ये MUA का ब्राउ सोप यूज करके। थोड़ा सा इसका प्रोडक्ट लेना है इस मेकअप लुक के लिए। जो मैं पैलेट यूज़ कर रही हूँ वो ब्यूटी ग्लेज की ये वाली पैलेट है। इसमें से ब्लू और पिंक्स मैं यूज़ करूँगी। सबसे पहले मैं एक लार्ज ब्लेंडिंग ब्रश लूँगी, लाइट पिंक शेड लिया और इसको पूरी क्रीज लाइन पे अप्लाई कर दूँगी। ये है मेरा ट्रांजिशन शेड। सर्कुलर मोशन, इनवर्ड आउटवर्ड ब्रश को पीछे से पकड़ना है और सर्कुलर मोशन की हेल्प से ब्लेंडिंग करनी है। अभी पहले वाले से थोड़ा डार्क पिंक लिया और इसको अप्लाई करूंगी, इधर से बाहर की तरफ निकालना है और ट्रांजिशन शेड के नीचे नीचे लगाना है। कुछ इस तरह की जब शेप आ जाएगी तो इसकी ब्लेंडिंग करेंगे। फ्लैट ब्रश की हेल्प से ब्लू शेड पूरी लिड पे लगा दूंगी। अभी एक छोटा ब्लेंडिंग ब्रश लेना है और एजेस को ब्लेंड करना है। अभी मैं डार्क ब्लू लोअर आईज पे लगाऊंगी, सिर्फ यहाँ तक, और इसको ब्लेंड करूंगी पिंक के साथ। बिल्कुल छोटे से ब्रश की हेल्प से मैं पिंक से ब्लेंड कर रही हूँ। इनर कॉर्नर पे ये वाली पैलेट से हाइलाइटर यूज करूंगी। हाइलाइटर जब आप लगाएं तो ख्याल रखें कि ऊपर अपने जो शेड्स हैं उसके साथ ब्लेंड करेंगे। अभी मैं नेक्स्ट की ग्लिटर ग्लू लगाऊंगी। मीका आईज के ये वाले ग्लिटर्स लगाऊंगे। मैंने लाइनर अप्लाई कर लिया है। अभी मैं ये ब्लू कलर की काजल पेंसिल अप्लाई कर रही हूँ वाटर लाइन पे। लैशेस को कर्ल कर रही हूँ। मिस रोज का मस्कारा यूज कर रही हूँ।
विद लैशेस और विदाउट लैशेस का आप डिफरेंस देख सकते हो। ये है मेरी फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ किसी ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।